थाने मुमरा मुलुंड पवई में बाइक चोरी करने के मामले में मुलुंड पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीवा का रहने वाला है। इसका नाम गौरंग चौधरी उर्फ सैंडी है। पुलिस ने इसके पास से 14 बाइक बरामद किया है। पार्क की गई गाड़ियों की डुप्लीकेट चाबी बनाकर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। हालांकि पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मुलुंड पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से गौरांग चोरी की घटना को अंजाम देता था, इसके बारे में पुलिस उपायुक्त परिमंडल 7 के पुरुषोत्तम कराड़ ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। मुलुंड पुलिस स्टेशन के हमारे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संतोष कांबड़े और उनकी टीम जो डिटेक्शन का काम करते हैं, उनको मोटर व्हीकल थेफ्ट के बारे में कुछ जानकारी मिला और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एक एक्यूज को उन्होंने टारगेट किया और उसको दीवा थाने से कब्जे में ले लिया। इंट्रोगेशन के टाइम पे ये पता चला कि उसने लगभग 15 मोटरसाइकिल का चोरी किया है। वो 15 मोटरसाइकिल हमने रिकवर कर लिया और उसमें मोटरसाइकिल नंबर से हमने इंक्वायरी किया तो मुलुंड के 4 ऑफेंस है, घाटकोपर, MIDC और पवई के 2-2 ऑफेंस है। इसके अलावा थाने से मुमरा, नौपाड़ा, कापुर, बावड़ी और पड़गा, यहाँ से 1-1 ऑफेंस इस पर दाखिल है। यह आरोपी का नाम है गौरंग आनंद चौधरी उर्फ सैंडी। इसका उम्र 23 साल है और रहता दीवा थाने में है। तो इससे इंक्वायरी करते टाइम इसका जो मोडस है चोरी करने का, गाड़ी चोरी करने का, तो ये कि थोड़े टाइम के लिए कोई भी गाड़ी को चाबी रख के जो अंदर जाता है होटल या ग्रोसरी शॉप में, तो वो वहाँ से गाड़ी उठा के लेके जाता है या फिर की मेकर के पास जाके उसको बोलता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स घर पे है, मैं आधार दे देता हूँ और आधार से उसका चाबी बनवा के लेता था और जब चाबी बन के रेडी होता था तो वो बाद में वो आधार का कॉपी व्हाट्सएप से डिलीट फॉल और ऑल करके वो चाबी वालों से भी वो कॉपी डिलीट करता था ताकि चाबी वाले के पास इसका कोई इंफॉर्मेशन ना रहे। ये अब तक ऐसे 2 चाबी वाले हमें निष्पन्न हुए कि जिसके पास इसने चाबी बनवा के लिया था। तो हमने कुल मिला के ये गाड़ी जो चोरी किया है वो बेचने के लिए बोलता था कि फाइनेंस से जो रिकवरी नहीं हुआ उसके कारण जो जब्त गाड़ी है वो है और उसके कारण उसने कुछ गाड़ी बेचा था, कुछ बेचना बाकी था। तो पूरा 15 गाड़ी हमने रिकवर कर लिया। अभी एक्यूज गौरंग चौधरी हमारे मुलुंड पुलिस स्टेशन के कस्टडी में है और भी इंट्रोगेशन जारी है और पता चलता है तो उसके बारे में और भी बाद में आपको बता देंगे।